बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था, मुझे लग रहा है आप लोग कुछ सीखना चाहते थे, तो ये मोटिवेशन है मेरे लिए कि मैं आगे आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ आप लोगों को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। अभी हम एक्सपोर्ट का चैप्टर शुरू किया हुआ, तो इंशाल्लाह एक्सपोर्ट को डिस्कस करें, फिर हम इम्पोर्ट पर बात करेंगे। तो कुछ ही वीडियोस रह गए एक्सपोर्ट के बारे में, फिर हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं पाकिस्तान में, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगते हैं। ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोस भी बनाई हैं, हिमालयन साल्ट हो गया, फ्रूट एंड वेजिटेबल हो गया, अखरोट हो गया, पीनट हो गया, मूँगफली होगी, ये हम लोगों ने डिस्कस किया अपनी वीडियोज़ में। अच्छा, आज हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो ये मिथ्स ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब कि गलत फहमियाँ क्या हैं लोगों के एक्सपोर्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करें तो ये है कि लोग समझते हैं कि एक्सपोर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। एक्सपोर्ट करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें आपको अगर प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर गाइडेंस हो, प्रॉपर मेंटोर हो आपका, तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हाँ, इसको हमेशा से मैं हर वीडियो में बात करता हूँ कि यार आप लोग इसको सीख के करें, सीख के करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत कम होंगी। ऑब्वियसली हर बंदा हर टाइम लर्निंग करता रहता है, ठीक है। हर फील्ड में जो भी आप काम करोगे उसमें आप कुछ ना कुछ रोज़ सीखते रहोगे, तो आप जब भी इसमें कोई भी काम करें एक्सपोर्ट में भी, तो आप देखें डेली सीखते हैं कुछ ना कुछ हैं, लेकिन एक आपको बेसिक आइडिया हर चीज़ का होना चाहिए। तो ये जो चैनल बनाने का मकसद ये है कि आपको बेसिक आइडिया दूँ, बाकी आप फील्ड में जाएंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ सीखते रहेंगे। अब दूसरा, अगर दूसरे उसकी बात करें तो लैंग्वेज विल बी अ बैरियर। सही बात है, बहुत से एक्सपोर्टर्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती और जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो इंग्लिश में है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग इससे घबराते हैं इंग्लिश में, तो कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, उसमें आप गूगल ट्रांसलेट करके उसमें कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी बात यह है कि जितने भी एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वहाँ पर इंटरप्रेटर होते हैं, आपको समझ आ जाती है, उनको समझ आ जाती है आपको क्या है। देखिए, आप टूटी जो बायर है ना, अगर बाहर वाली कंट्री में बैठा है तो आप इंग्लिश बोलेंगे, अगर आप टूटी फूटी भी बोलेंगे तो कोई मसला नहीं है, वो चल जाएगी। आपको उसको सिर्फ सेटिस्फाई करना है। फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई भी प्रोडक्ट है, आप फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात कर लें या सर्जिकल की बात कर लें, आपको प्रोडक्ट की नाव है, आप कुछ ना कुछ उसको बता देंगे। तो अगर कुछ ना कुछ उसको बता देंगे तो ऑब्वियसली वो भी पता है कि आपकी ये जो है, ये इंग्लिश जो है ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान में आप बात करें किसी से इंग्लिश में और टूटी फूटी इंग्लिश करें, तो वो आपको ऐसे समझते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, जैसे वो अंग्रेज़ का बाप था। तो इसको आप बिल्कुल बैरियर मत बनाएं इंग्लिश को। इंग्लिश इज़ हर कंट्री में ज़रूरी, चाइना में इंग्लिश नहीं बोली जाती, वो चाइनीज़ में काम करते हैं, उनके अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। रशिया में इंग्लिश नहीं बोली जाती, उनके अपने सॉफ्टवेयर, क्या वो बिज़नेस नहीं कर रहे? वो बिज़नेस कर रहे हैं। तो आप लोगों को इसको बैरियर नहीं बनाना, ठीक है। कम्युनिकेशन करनी है आप लोगों ने, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं गूगल में, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। देखें, आपने ईमेल लिखनी है तो ईमेल गूगल ट्रांसलेटर में जाके भी लिखी जा सकती है, सब कुछ लिखा जा सकता है। तो इंग्लिश को आपने बैरियर नहीं बनाना। तीसरी मिथ की बात करें तो वो है कि इम्पॉसिबल है कि क्लाइंट्स तक रीच करना, कस्टमर्स तक, फॉरेन कस्टमर्स तक रीच करना, तो ये भी मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि हमने अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किया हम बायस को कैसे ढूंढ सकते हैं। देखें, अब जो ज़माना आ गया वो सारा इंटरनेट का है, तो आपको बाहर के पास, आप बैठे बैठे बाहर के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं आप उस कंट्री में विज़िट करें, उसके लिए एक्सपेंस चाहिए, ये ज़रूरी नहीं। हर बंदे के दिमाग में ये कि हम जाएंगे तो हमें बाहर मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर जब बैठे हैं इंटरनेट पे, इंटरनेट हो गया मतलब टोटल इंटरनेट, इसमें आगे सब में आ गया, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ठीक है। इस तरह बैठे हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप विज़िट करें तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऑर्डर यहाँ से जनरेट करें, वहाँ से हर बंदे का ना। अब आप समझें बात को, यहाँ पे अगर आप बायर हैं, आप यूके में बैठे हैं, तो यहाँ पे आपका कोई ना कोई बायर का जानने वाला होगा, तो वो भी कम्युनिकेशन कर सकता है आपसे, ऐसी बात नहीं है। तो बायर ढूंढना और उससे कम्युनिकेशन करना तो कोई मुश्किल नहीं है, ये मिथ भी मेरे हिसाब से गलत है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है, ये सही है कि गलत है। अच्छा, दूसरी इसके अगर अगली बात करें तो वो है कि बहुत सी चीज़ों को लर्न करके आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखें, ऐसा भी नहीं है, आपकी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, एक्स वाई जेड प्रोडक्ट है, उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, देखें वो तो आपकी प्रोडक्ट है ना, उसके बारे में तो आपको जानना है, ठीक है। वो आपकी प्रोडक्ट है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी की पूरी होनी चाहिए, ठीक है, ए टू जी, ताकि क्लाइंट को आप सेटिस्फाई कर सकें। अच्छा, अब उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपने, अब आपका कोई सर्जिकल का प्रोडक्ट है या कोई इम्प्लांट का है या कोई फुटबॉल है, स्पोर्ट्स है, या कोई ग्लव्स है, अब मुझे बताएं ग्लव्स वाले बंदे का फ्रूट एंड वेजिटेबल के प्रोडक्ट को जानने का क्या काम है? तो
तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, ठीक है, उसके बाद सिर्फ आपको इतना है कि ट्रांसपोर्ट यहाँ से लेके क्या करना, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की फेयर्स पता होना चाहिए, बाकी सारा काम आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट करता है। आपको चार पांच बंदों से रेट्स लेने हैं और डेट्स इट, आपने कस्टम क्लियरिंग एजेंट अपॉइंट कर देना है, बाकी उसका काम है, आपका मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन का काम है। अब मुझे बताए, आपको मैंने आपको जैसे पहले बताया था, आपको उतनी नॉलेज चाहिए जितनी आपको ज़रूरत है। जब हर चीज़ में घुसेंगे तो वो, अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में घुसें और उसकी नॉलेज लें। हाँ, आपको नौ हो होनी चाहिए। हम भी अब जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया, हम सिर्फ नौ हो देंगे, जो जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो जो हम चीज़ों से गुजरे हैं, हम सिर्फ उसकी डिटेल बता रहे हैं आपको, उसकी डिटेल भी देंगे। अब जो बहुत कम चीज़ें हैं उनकी हम डिटेल नहीं देंगे, उनका एक आध वीडियो में या दो तीन वीडियोस में हम उसको एक एक मिनट में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगली मिथ की बात करें तो वो है एक्सपोर्ट में हमेशा बड़े ऑर्डर्स ही आते हैं। अब ऐसा भी नहीं है, छोटे ऑर्डर्स भी आते हैं। तो ये जब हम FCL को कंटेनर को डिस्कस कर रहे थे तो हमने साथ LCL कंटेनर को भी डिस्कस किया था, लेस कंटेनर लोड। तो इसका क्या मतलब है, छोटे ऑर्डर भी तो आते हैं। एक कार्टन का ऑर्डर भी आप 20 kg का भी, 10 kg का भी ऑर्डर भेज सकते हैं। तो ये भी मिथ गलत है, एक दिमाग की साइकी है जो हम लोगों ने बनाई हुई है। नहीं जी, हमें तो बड़े ऑर्डर ही चाहिए, आते हैं, छोटे ऑर्डर में हम क्या करेंगे। नहीं, आप जो है हैंडीक्राफ्ट छोटा भेज सकते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट छोटी भेज सकते हैं यार। सोन हलवे का आप बॉक्सेस वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं, छोटे लेवल पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये मिथ्स को जेन से निकालें, स्मॉल ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। हिमालयन साल्ट के लैंप्स आ गए, स्मॉल होते हैं। ब्रिक्स हो गए, अगर वो कहता है मुझे मतलब एक कार्टन चाहिए तो आप क्या करेंगे, कंटेनर तो नहीं भेजेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल ऑर्डर आते हैं और ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी शुरू हो सकता है। इसके बाद मिथ की बात करें तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कहते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखें, ये इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से चलता है, ना तो आपने बनाए ना मैंने बनाए ना किसी और बार, ये ग्लोबली काम करता है, तो रूल सबके लिए सेम है। तो कॉम्प्लिकेशन क्यों हुई इसमें, एक रूल है, आपने मैन्युफैक्चर करनी है प्रोडक्ट, उसको पोर्ट तक पहुंचाना है, पोर्ट से आगे क्लियरिंग एजेंट है, क्लियरिंग एजेंट उसको अगली पोर्ट तक पहुंचाएगा, अगली पोर्ट का क्लियरिंग एजेंट अलग है, जो बायर का है वो उसको रिसीव करेगा और बायर तक पहुंचा देगा। अब मुझे बताएं कॉम्प्लिकेशन इसमें कहाँ है। कॉम्प्लिकेशन सीधा काम है, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इम्पोर्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करेंगे। आपको HS कोड मैंने वीडियोस में सारा डिस्कस किया हुआ, जो जो बेसिक्स हैं हम वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। HS कोड्स का पता होना चाहिए, जो आपकी प्रोडक्ट है, XYZ का नहीं पता होना चाहिए, आपको अपनी प्रोडक्ट का HS कोड पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये फेल हो रही होती है इन्वॉइसेस वगैरह, परफॉर्मेंस इन्वॉइस वगैरह, तो उसमें ये सारा कुछ ऐड होता है। तो ये चीज़ें आपको पता है। अब मुझे पता है ये कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं है, ये भी एक रॉन्ग मिथ है कि आप ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो न्यू एक्सपोर्टर होता है ना, उसके दिमाग में वैसे ही बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, यार ये हो जाएगा वो, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीखेंगे, आप मैं वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोग इससे कुछ ना कुछ तो सीख रहे होंगे। अगर 1% भी सीखेंगे तो आपके लिए है ना, ठीक है। मेरा तो फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको सिखा दूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी कि मेरे भी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, और मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं इस मुल्क के लिए कुछ कर जाऊँगा। अच्छा, अब अगली मिथ की बात करें तो वो बिल्कुल जेन्युइन है कि दिमाग में आता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस एक ग्लोबली बिजनेस है, तो कंपटीशन तो ऑब्वियसली उसमें होगा, उसमें कंपटीशन कैसे नहीं होगा, ठीक है। चाइना भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, नेपाल भी कर रहा है, भूटान भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, UK भी कर रहा है, सब कर रहे हैं। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हर कंट्री कर रही है, ऑलमोस्ट हर कंट्री, अफगानिस्तान तक हर कंट्री कर रही है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो है, लेकिन आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, ठीक है, प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, आप बायर को ग्रैब कर सकते हो। जब ग्रैब कर लोगे तो फिर कंपटीशन उनके लिए जिनको बायर्स नहीं मिलते, आपके पास बायर होगा, आपका एक बिजनेस रनिंग में चल रहा होगा। अब मेरा एक दोस्त है, एग्जांपल देता हूँ, उसका सॉफ्टवेयर हाउस है। अब उसके पास एक क्लाइंट था और वो उसका जो क्लाइंट है वो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स के साथ काम कर रहा है, नहीं छोड़ा उसने, क्योंकि उसकी उसकी सर्विसेज अच्छी हैं, उसकी कम्युनिकेशन उसके साथ ठीक है, एक उसके साथ फ्रेंडशिप वाला माहौल बनाया हुआ उसने। तो ऑब्वियसली इसी तरह काम करना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, तब भी क्लाइंट खुश होता है। देखिए, क्लाइंट को खुश करना है आपने, कंपीट आप नहीं करोगे, इंडिया से कोई कर देगा, इंडियन से नहीं करेगा बांग्लादेश से कोई कर देगा, बांग्लादेश से नहीं करेगा रशिया से कोई कर देगा, तो आप क्यों नहीं करोगे। ये आपको सीखना है कैसे करना है, कम्युनिकेशन आगे सिखाऊंगा कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है, उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेज कैसे देना है, ये सब कुछ हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे। तो आज हम मिथ्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब बात ये है अगली मिथ की तरफ, अगली मिथ ये है कि स्मॉल कंपनी जो है वो कैसे कर सकता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काम, क्यों स्मॉल कंपनी को क्या हुआ है जो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काम नहीं कर सकती।
स्मॉल कंपनी के पास अगर बजट कम है, या सोल प्रॉपरशिप है, या प्राइवेट लिमिटेड, सारी स्मॉल ही हैं आजकल तो, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड में तो चलें ठीक है, 3-4 डायरेक्टर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, जो भी है। आप सिंगल मेंबर एसएमसी पे भी काम कर सकते हैं, तो क्या इसमें प्रॉब्लम है कि आप काम नहीं कर सकते? आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया स्मॉल में 3 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, ठीक है, तो आप काम शुरू कर सकते हैं। बायर्स ढूंढें आपकी प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल कुछ भी करें, 100 टी-शर्ट्स का ही ऑर्डर ले लें, ठीक है, उसको कार्गो कर दें, कार्गो में वो 17-18 दिन में पहुंच जाएगा, अगला ऑर्डर तैयार करें, 1 महीने में 2 कंटेनर चले जाते हैं, आपको 40,000 भी बच जाए एक शिपमेंट में, 2 शिपमेंट्स में, 1 महीने का 40,000 आ गया 1 लाख के पीछे। तो क्या मसला है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट में काम नहीं होता? ये लोगों का दिमाग है, एक्चुअली लोगों का भी दिमाग है, और जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे होते ना, तो उनके साथ वाले बंदे, आगे पीछे वाले बंदे, उन्हें डरा रहे होते हैं, यार एक बहुत बड़ा काम है ये तुमसे नहीं होगा, ये वो है, फलाना है, टमकाना है, ऐसी बात नहीं है। आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी, और स्मॉल अगर कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है तो कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। अगर अगली मिथ की बात करें तो एक्सपोर्ट के लिए बिग ऑफिस चाहिए, जिस तरह हम देखते हैं अक्सर टेक्सटाइल ऑफिसेज देखते हैं, ठीक है, बाकी और बहुत सी ऑफिसेज देखते हैं कि बड़े बड़े उनके ऑफिस, तो सर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में अब ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आप घर पे कंपनी रजिस्टर करवा के घर से भी काम कर सकते हैं, तो कोई जो इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी अलाउ किया हुआ है कि आप जहाँ पे रेजिडेंस हैं वहाँ से भी आप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है घर से भी कर, तो आपका ऑफिस ही चाहिए ही नहीं, आपका तो जिस घर में रह रहे हैं उसी में काम करें, फील्ड का काम है तो मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो बाहर जाके मैन्युफैक्चरिंग के पास से करवा लें काम, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे बताएं आपको ऑफिस चाहिए कि नहीं चाहिए? दिमाग के गेम है, सारी दिमाग की गेम है कि हमारे दिमाग को ख़राब किया हुआ है। जो लोग मैंने आपको बताया, जो लोग एक्सपोर्ट नहीं करते उनके लिए एक ये हवा है, तो आप तो एक्सपोर्टर बनने जा रहे हो, तो इन हवाओं को अपने आप से, अपने दिमाग से निकाल दो और अच्छे एक्सपोर्टर बनने की कोशिश करो। अच्छा एक्सपोर्टर बनाना है मेरा मकसद इस चैनल के साथ। अच्छा लास्ट मिथ को हम डिस्कस करते हैं कि लोग कहते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट इज़ फार बेटर देन द इंटरनेशनल मार्केट। मैंने काफ़ी लोगों से क्वेश्चंस किया लेकिन उसका इनको जवाब आया नहीं जो ये बात करते हैं, ठीक है। अब गलत फहमियाँ, अब आप है ना, जलन तो हर बंदे के साथ है, ठीक है। आप एक्सपोर्ट का बताते हो कि मैं एक्सपोर्ट करने ना चाहूँ, और नहीं यार लोकल मार्केट ज़्यादा बेहतर है, आप इंटरनेशनल मार्केट में ये है वो है फलाना है टमकाना, कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल में मार्केट मार्जिन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लोकल मार्केट। हाँ अगर आपका क्लाइंट अच्छा है तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग हैंडसम अमाउंट, ठीक है, एक्सपोर्ट करके। लेकिन यहाँ पर जो एक एक दिमाग में डाल दिया जाता है ना, यार तू एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तू करेगा तो नुकसान ना हो जाए, इससे बेहतर डोमेस्टिक मार्केट में काम कर ले। क्यों यार नुकसान नहीं होता? लोग पैसे लेके नहीं भाग जाते? यहाँ पे लोग पैसे देते हैं, यहाँ पे भी तो सब कुछ ऐसा ही है, पांचों उंगलियों तो यहाँ पे भी बराबर नहीं है, तो फिर आप क्यों सोचते हैं ऐसा? इस मिथ को भी क्रॉस करें, अपने जेन से निकालें और इंटरनेशनल मार्केट में आएँ। बहुत ज़बरदस्त मार्केट है, क्लाइंट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मिल गया तो मैंने आपको अपने फ्रेंड के एग्जाम्पल दिए तो कर रहे हैं ना काम। अब जो लोग फ्रीलांसर पे काम करते हैं, ईलांस पे काम करते हैं, तो वो भी तो क्लाइंट ढूंढते हैं ना। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, जो फ्रीलांस पे काम करते हैं, ईलांस पे काम करते हैं, ईबे पे काम करते हैं, अमेजोन, उनको भी तो क्लाइंट मिलते हैं, वो वहाँ से भी तो चीज़ें बाय करते हैं, फाइबर पे काम करते हैं, क्लाइंट मिलते हैं तो वो सेलिंग कर रहे हैं ना वहाँ पे। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्लाइंट ढूंढना क्यों? वो ढूंढ सकते हैं, फाइबर वाले ढूंढ सकते हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग वाले ढूंढ सकते हैं, ईलांस वाले, फ्रीलांसर वाले ढूंढ सकते हैं, ईलांस वाले ढूंढ सकते हैं, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले नहीं ढूंढ सकते। लॉजिकल बात नहीं है ना, ठीक है। वहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा क्योंकि हमें क्लाइंट नहीं मिल रहे। देखें फाइबर पे भी एसईओ करनी पड़ती है, आप वेबसाइट बनाएं उसकी एसईओ करें। देखें एसईओ करेंगे तो क्लाइंट, अब आपको पता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है, अब यहाँ पे उसको समझाना मेरा ख्याल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़ा सा इलॉजिकल है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो आपकी जो रैंक करती है वेबसाइट को, आप उस पर काम करें, छोटी छोटी छोटा छोटा सा है, अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दें तो ज़्यादा पे आप हो सकता है आप अच्छा उससे कमा भी सकें। तो इसको सोचें, इन मिथ्स को जो है ना आप दिमाग से निकालें। आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने जा रहे हैं, दिल बड़ा करें, गुर्दा बड़ा करें, और आपको काम करना है। छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ भी काम होता है। मैंने जब स्टार्ट किया था जीरो, अब आप, मैंने जब स्टार्ट किया था जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, तो क्यों जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? सर आपको भी करना है काम और अच्छा करना है काम। ये थी जी कुछ मिथ्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं, और अब मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने दिमाग से इन गलत फहमियों को निकालें। ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट आपके लिए है, आप ही ने इसको चलाना है।
हम ही ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, हमने करनी है, हमारे बच्चों ने करनी है, करनी है, और पाकिस्तान के इसको ऊपर लेके जाना है एक्सपोर्ट को। इंशाल्लाह ताला हम इसमें अपनी पूरी 100% देंगे, हम भी पाकिस्तान के लिए कुछ करें, कोई बात नहीं, किसी ने किया या नहीं किया, पाकिस्तान कैसा है कैसा नहीं है, हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना है और इंशाल्लाह हम इसके लिए करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।